नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। जबलपुर में उज्ज्वला 2.0 योजना का शुभारंभ। इस अवसर पर प्रदेश भर की 5 लाख महिलाओं को मिला उज्ज्वला कनेक्शन। जब केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है और गरीब परिवार का बेटा नरेंद्र मोदी के रूप में प्रधानमंत्री बनता है, तो उज्ज्वला जैसी योजना के माध्यम से गरीबों के जीवन में बदलाव दिखाई देता है। आज उज्ज्वला योजना के माध्यम से देश भर के लगभग 9 करोड़ परिवारों का भाग्य बदल गया है। ये बात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को जबलपुर के वेटनरी ग्राउंड में आयोजित उज्ज्वला 2.0 योजना के शुभारंभ पर हजारों की संख्या में उपस्थित हितग्राहियों को संबोधित करते हुए कही। कार्यक्रम को केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी, केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री रामेश्वर तेली एवं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम में प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद विष्णु दत्त शर्मा, केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल, राष्ट्रीय मंत्री ओम प्रकाश दुर्वे, प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष एवं सांसद राकेश सिंह, प्रदेश सरकार के मंत्रियों समेत अन्य जनप्रतिनिधि भी उपस्थित थे। गरीबों के कल्याण के लिए कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आज उज्ज्वला 2.0 के माध्यम से प्रदेश की 5 लाख बहनों को लाभ मिलने जा रहा है। आने वाले समय में 12 लाख बहनों को इस योजना का लाभ मिलना प्रारंभ हो जाएगा। भोपाल संभाग ब्यूरो, दीपक बर्थी की रिपोर्ट।